जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो लघुत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार के रहेगा और इम्पोर्टेंस रहेगा पेपर के लिए। दोस्तों यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की किन्हीं दो मुख्य मांगों का उल्लेख कीजिए। तो आइए उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। पर्यावरण संरक्षण संबंधी सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन को माना जाता है, क्योंकि बच्चों ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम नर्मदा बड़ा जो है नर्मदा बांध। नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। बचाओ आंदोलन को माना जाता है। इस आंदोलन को चलाने में मेघा पाटेकर, बाबा आंटे तथा सुंदर लाल भगुड़ा शामिल है। आंदोलन के समर्थकों की बच्चों जो मांग है कि बांध परियोजना के पूर्ण होने पर कई लाख लोग बेघर हो जाएंगे, अतः सरकार इनके पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था करे। समझ रहे हो? वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावशाली नियंत्रण होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ताड़ी विरोधी आंदोलन के किन्हीं दो ऐसे मुद्दों का वर्णन कीजिए जिन्होंने इस आंदोलन की महिलाओं का आंदोलन बना दिया। ताड़ी विरोधी आंदोलन ये बच्चों शराब से संबंधित था, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन शराब माफिया के विरुद्ध चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। जो ताड़ी का निर्माण घरों में ही होता था और ताड़ी के विरोध में आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने आंदोलन चलाया था। नंबर दो, ताड़ी पीने के कारण पुरुष कोई कार्य नहीं करते थे, जिससे सारा कार्य महिलाओं को ही करना पड़ता था। ताड़ी के नशे में पुरुष घरों में महिलाओं एवं बच्चों से मारपीट करते थे। कर्ष दारू था, इसे दारू होता है ना, वही है। सूचना के अधिकार की विशेषताएं लिखिए जो 2005 पारित हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। देखो सूचना का अधिकार विशेषताएँ, सूचना के अधिकार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। नंबर एक, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना, सूचना के अधिकार से वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होती है, वास्तविक मिलता मूल। नंबर दो, भ्रष्टाचार की समाप्ति, सूचना के अधिकार से प्रशासन में भ्रष्टाचार की समाप्ति होती है। नंबर तीन, कल्याणकारी योजनाओं की जो है जानकारी, सूचना के अधिकार से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन ले कुछ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चो, टिहरी बांध परियोजना के विरोध में चलाए गए आंदोलन पर एक नोट लिखें। टिहरी बांध जो कहाँ है बच्चों? ये उत्तराखंड में है। देखो, टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध चलने वाला आंदोलन भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन माना जाता है। टिहरी बांध परियोजना का विरोध करने के लिए लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सखलानी के नेतृत्व में टिहरी बांध परियोजना विरोधी संघर्ष समिति का जो है निर्माण किया। टिहरी बांध से टिहरी शहर के पानी में डूबने का खतरा था। समाज सेवी सुंदर लाल बहुड़ा ने इस परियोजना का विरोध करने के लिए आमरण अनशन किया तथा प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की समीक्षा के आश्वासन पर ही इन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो है मंडल आयोग का गठन कब किया गया? इस आयोग के किन्हीं दो सिफारिशों का जो है वर्णन कीजिए। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, मंडल आयोग जो पिछड़े वर्गों से संबंधित था, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में आरक्षण देने की व्यवस्था से मंडल आयोग का गठन किया गया था। देखो, 1 जनवरी 1979 को जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग का जो है गठन किया। इस गठन के 4 सदस्य थे और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल इसके जो है अध्यक्ष थे। अभी हमने जो बताया बच्चों, इस आयोग का कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करना था तथा उनके विकास के लिए सुझाव देना था। जो पिछड़े लोग हैं, समझ रहे हो, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। मंडल कमीशन ने 13 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3743 पिछड़ी जातियों की जो है पहचान की थी। कितनी बच्चों? 3743 पिछड़ी जातियों जो OBC के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ी जातियों की पहचान की। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थी। नंबर एक, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। ये जो 27% आरक्षण है ये सब मंडल आयोग के द्वारा ही किए गए। नंबर दो, अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC के कल्याण के लिए बनाए गए कार्यक्रम के लिए धन केंद्रीय सरकार को देना चाहिए। नंबर तीन, भूमि सुधार शीघ्र किए जाएँ ताकि छोटे किसानों को
अमीर किसानों पर निर्भर न होना पड़े। नंबर चार, अन्य पिछड़े वर्गों को लघु उद्योग लगाने के लिए सहायता दी जाए तथा उन्हें जो है प्रोत्साहित किया जाए। उद्योग धंधे है नहीं, बहुत बढ़िया था। नंबर पाँच, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं लागू की जाएँ।